सरकार की खामियां गिनाने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अलग ही राग अलापने लगे। उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का मुद्दा छेड़ते हुए कहना शुरू कर दिया कि कुछ लोग उनसे भी चंदा मांगने आए थे, उन्होंने नहीं दिया। कह दिया कि पहले चंदे का वो पैसा मंदिर निर्माण में लगाओ जो अब तक जमा हुआ है। केजरीवाल के ये नेता इतने भर से नहीं रुके और बोलते चले गए कि देश राम मंदिर के नाम पर कोई जबरदस्ती चंदा उगाही नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात को कैमरे के सामने तस्दीक किया कि कुछ जगह जबरदस्ती चंदा उगाही हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4 सालों का लेखा जोखा पेश करते हुए अपने कार्यकाल में हुए कामों का एक गजट सार्वजनिक किया था, जिसके विपरीत आज आम आदमी पार्टी ही मैदान में उतर गई और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर जनपद स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योगी की भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए 4 साल के उस सब को निकम्मापन बताना शुरू किया, जिसके लिए मुरादाबाद में भी आम आदमी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और योगी सरकार की खामियां गिनाते हुए कहने लगे कि आगामी 2022 में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी। केवल उनका दल ही उत्तर प्रदेश में ऐसा विकल्प है जो यहां पर भी दिल्ली मॉडल पर आम नागरिकों को सुविधाएं पहुंचा सकता है। केजरीवाल के इस नेताजी ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी उठा दिया और कहने लगे कि कुछ लोग उनसे भी चंदा मांगने आए थे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने चंदा मांगने वालों से कह दिया कि पहले वो पैसा निर्माण में लगाओ जो अब तक चंदे में जमा हुआ है। केजरीवाल के ये नेताजी आए तो थे योगी सरकार के 4 सालों की खामियां गिनाने, लेकिन श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे धन संग्रह पर बोलकर फिर से नई बहस को जन्म दे दिया। आज फर्जी आंकड़े क्यों जारी कर रहे हैं? मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि केवल और केवल सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार दे दो, महिलाओं को सुरक्षा दे दो और दिल्ली सरकार की तुलना मत करो। अगर दिल्ली सरकार की तुलना करोगे तो कहीं मतलब जो है निचले पायदान पर भी देश के सबसे नीचे राज्यों में आप होंगे। आप अपने आप को सबसे ऊपर कह रहे हैं ना, आप सबसे नीचे राज्य में होंगे, क्योंकि दिल्ली में गरीब आदमी के लिए इलाज फ्री है, गरीब आदमी के बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा जिसे गुणात्मक शिक्षा कहेंगे वो फ्री है। वहाँ पर जो है किसी को दवाई की चिंता नहीं है, वहाँ पर किसी को रोज़गार की चिंता नहीं है। और तो और आप जो दिल्ली सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा जो उनके अधिकारों को कम करने का काम किया जा रहा है, उसका भी मैं इस प्रेस के माध्यम से कंडेम करता हूं कि ऐसी हरकतें ना करें। केंद्र की सरकार को चाहिए कि अगर आप जो है दिल्ली की सरकार की तरह महिलाओं को फ्री बस में सुविधा नहीं दे सकते हैं, फ्री इलाज नहीं दे सकते हैं, तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम जो सरकार दे रही है उसकी पीठ थपथपाते रहिए। अन्यथा की स्थिति में पूरे देश में आम आदमी पार्टी, अभी तो हम उत्तर प्रदेश में, हमने कल परसों किया था, हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली सरकार को लेकर के आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर जो है गरीब आदमी को जो न्याय मिल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। 2017 से मैं चुनाव हुआ था, आप भाजपा से कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है यूपी में, क्या स्थिति है यूपी में आपकी पार्टी की? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज से 2 महीने पहले माननीय केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, शायद आप सब लोगों को इस बात का संज्ञान होगा जहाँ तक मुझे जानकारी है। और ये मेरा जो है पार्टी का पहला चुनाव है। इस पहले चुनाव में जिस तरीके से अभी आपने देखा, हमने गुजरात में पहले राउंड में ही सूरत में चुनाव लड़ करके कांग्रेस को 3रे नंबर पर धकेल दिया है। उत्तर प्रदेश गुजरात मॉडल की तरह, दिल्ली मॉडल की तरह रिपीट करने जा रहा है और 2022 में हम वो करके दिखाएंगे कि जिसको आम आदमी जो हमारे कॉमन मैन है वो तो समझ सकता है, लेकिन शायद राजनीतिक लोग नहीं समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम 2022 में सरकार बनाएंगे और अगर कहीं पर गुंजाइश रहती है तो बिना आम आदमी। कह रहे थे क्या है पूरा वाक्य बताइए थोड़ा सा। देखो, चंदे के नाम पे गलत तरीके से उगाई नहीं होनी चाहिए, बस। आप कह रहे थे, अभी हम सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि मेरे पास देखिए 1100-1200 रुपए कोई बात नहीं है। चंदा के नाम पे जो है समाज के किसी व्यक्ति से जबरन उगाई नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। आपके पास भी आए थे क्या? आपके पास भी आए थे कौन? चंदा लेने वाले। चंदा लेने वाले आए थे, फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? अब ये जो है हमने जो रिस्पांस दिया उनको मैंने बता दिया कि मैंने क्या मेरी स्थिति रहेगी। मैं ईश्वर में, भगवान में आस्था रखता हूँ, लेकिन जो है गलत उगाही के खिलाफ रहता हूँ। फिर भी आपने चंदा दिया है? आपने चंदा दिया? नहीं दिया चंदा। क्या कहा आपने? क्या कहा उनसे आप? मैंने कह दिया कि जो है आप जब आप जरूर पड़ेंगे तो हम उसका विचार करेंगे। लेकिन निर्माण तो अभी है, जरूरत तो अभी है कोई, अभी तो 2000 करोड़ जमा है ऑलरेडी।
मतलब आपका कहना यह है कि आपने वो आए, आपने चंदा नहीं दिया, ये कहने का मतलब है आपका? चंदे के लिए लोग आए आपके पास और आपने चंदा नहीं दिया, ये मतलब है कहने का? क्या इस वाक्य को इस तरह पूरा करें? आप समझ लीजिए, क्या वो बीजेपी के लोग थे या नहीं? नहीं, 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 मुझे पता नहीं कौन था। मैंने कहा कि चंदे के नाम पे जबरन उगाही बंद कीजिए और जो है बहुत, ये मैटर 2 महीने पहले का है, आज का नहीं है। जबरदस्ती उगाही कर रहे हैं, एक दो मामले हैं ये तो पूरे प्रदेश में, कितने मामले पकड़े गए अपने यहाँ? कोई अपने यहाँ नहीं,